इंडिया गठबंधन जब चाहे गिरा सकता है एनडीए की सरकार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये बयान मेरे नहीं है बल्कि शिवसेना सांसद संजय राउत का ये कहना है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, संजय राउत ने एएनआई को इंटरव्यू देते वक्त ये कहा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू को टीडीपी को नहीं मिला स्पीकर पद तो हम इंडिया गठबंधन की ओर से चंद्रबाबू नायडू को करेंगे समर्थन और गिरा देंगे एनडीए की सरकार। यही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं आगे कि ये वर्ष 2014 या 2019 नहीं है जहां बीजेपी की मनमानी चलेगी, बीजेपी की दादागिरी चलेगी, बल्कि इस बार विपक्ष बेहद मजबूत है। इसी को देखते हुए संजय राउत यही नहीं रुकते, उसके बाद वो कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को तो हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के बंटवारे की बात थी तब भी इन दोनों लोगों को कुछ खास पद नहीं दिए गए थे, जो मुख्य पद दिए गए थे वो केवल और केवल बीजेपी मंत्रियों को ही दिए गए थे। इसी को देखते हुए संजय राउत, न केवल संजय राउत, इससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी ठीक किसी प्रकार से एनडीए की सरकार बनने पर मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही थी कि इंडिया गठबंधन चाहे तो गिरा सकता है एनडीए की सरकार। और न केवल ये बल्कि अब कल आपको हमने बताया था टीएनएक्स के माध्यम से कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि गलती से बनी है एनडीए की सरकार, यानी कि विपक्ष एकजुट है और बता रहा है कि किस प्रकार इस बार बीजेपी की दादागिरी नहीं चलेगी। स्पीकर पद पर अभी भी बात वही अड़ी हुई है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अभी भी चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं क्योंकि 24 जून से संसद सत्र शुरू होने वाला है। और तमाम चीजों को देखते हुए मैंने आपको कल भी बताया था खबरों के माध्यम से कि 10 सीटों के मुख्य 10 सीटें भले ही बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हो राज्यसभा की, लेकिन उससे पहले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही उतना ना बोल रहे हो लेकिन चंद्रबाबू नायडू उसी पद पर अड़े हुए हैं। इसी को देखते हुए संजय राउत का पूरा समर्थन मिल गया है चंद्रबाबू नायडू को। उन्होंने कहा कि संसद में हम पूरे इंडिया गठबंधन से बात करेंगे और टीडीपी को पूरा समर्थन दे देंगे, लेकिन बीजेपी के हाथों में इस बार स्पीकर पद नहीं जाने देंगे। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी इससे पहले कहा था कि अगर स्पीकर पद चला जाता है बीजेपी के हाथों तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से विपक्ष का गला घोंट देगी बीजेपी। और अब संजय राउत ने भी ठीक वही बात कही है। सिर्फ यही नहीं, मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद संजय राउत ने कहा था कि इससे साफ तौर पर जिस प्रकार से बंटवारा किया गया है कि आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम विरोधी है ये सरकार। उसका मुख्य कारण इन्होंने बताया कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं किया है। उसी को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी पद मुस्लिम व्यक्ति को नहीं दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है या नहीं, ये संजय राउत का बयान था। देखते जाइए, राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है क्योंकि संजय राउत को पूरा समर्थन मिल रहा है, जहां इंडिया गठबंधन एकजुट होकर कह रहा है कि ये सरकार 6 महीने से साल भर भी नहीं टिकने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए का कहना है कि वो पूरे 5 साल सरकार बनाएंगे और पिक्चर अभी दिखाना बाकी है क्योंकि 10 सालों में केवल ट्रेलर दिखाया गया है। संजय राउत ने कहा है कि 10 सालों की अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो आपको बता देना चाहेंगे कि जो भी बर्बादी का कारण है उसका कारण केवल और केवल बीजेपी रही है, ना केवल बीजेपी बल्कि आरएसएस पे भी हमलावर होते हुए संजय राउत ने कहा था कि अगर आरएसएस में हिम्मत है और मोहन भागवत तमाम बीजेपी के विरोध में बयान दे रहे हैं, मणिपुर पर बात कर रहे हैं, महंगाई पर बात कर रहे हैं और अहंकारी पार्टी बता रहे हैं, तो आप खुलकर उसका विरोध करना चाहिए और सड़कों पर उतर जाना चाहिए बकायदा विरोध प्रदर्शन के लिए। संजय राउत के बयान कितने तीखे नोकझोंक वाले हैं आप मुझे बता सकते हैं। और आपको संजय राउत के इस बयान से क्या लगता है, क्या सच में एनडीए की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है? दिन भर की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए टीएनएक्स को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।